बिरयानी कद्दू और गोश्त बिरयानी नहीं बन सकते मम्मा। क्यों मम्मा बताएं क्यों? चिकन नहीं है ना मम्मा? यार लेकिन चिकन तो पुलाव तो है। कौन सा? वो गोश्त है, गोश्त की बिरयानी नहीं बनती मम्मा। यार मम्मा यार प्लीज। बिस्मिल्लाह रहमान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी व्यूअर्स, मैं इधर बना रही हूँ दोपहर का खाना। आज जुम्मे का दिन है, अब्दुल्ला और उसके डैडी चले गए हैं नमाज़ के लिए, और मुझे ये है कि मैं उनके आने तक जल्द अज जल्द खाना रेडी कर लूँ। और मिशेल की आपने बात तो सुन रही होगी, वो कल से मुझसे फरमाइश कर रही है कि मुझे बिरयानी खानी है, लेकिन चिकन दूसरा बोनलेस तो था लेकिन बिरयानी वाला चिकन नहीं था। और बिरयानी जो है वो बच्चों को चिकन की ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने उससे कहा कि जब चिकन आएगा तो मैं बना लूँगी, लेकिन आज वो ज़िद्दी हो गई है। यही मैं सोच रही थी कि चलो रात को मैं इसको बाज़ार से मंगवा कर खिला दूँगी। तो जी इधर मैं अब काट रही हूँ कद्दू। कद्दू मैंने छील लिए थे और इनको मैं इधर मैंने प्याज जो है प्याज और लहसुन उनको गोल्डन लाइट ब्राउन कर लिया है। अब इसी में मैं डाल दूँगी गोश्त डाल दूँगी, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कद्दू, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी तमाम स्पाइसेस। हल्दी डाली है, नमक डाला है, रेड चिल्ली पाउडर डाला है, और इसके बाद मैंने डाला है इसमें दालचीनी के टुकड़े डाले हैं दो चार, और फिर अब मैं इसको लगा दूँगी ढक्कन। साथ ही मैंने एक कप दही डाल दिया था, ढक्कन लगा दिया है। मैंने गोश्त भी और कद्दू भी सब कुछ इकट्ठा ही डाल दिया है, और इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट के बाद खोल लिया था। और ये देखें कद्दू और चिकन हमारे रेडी हो चुके हैं, साथ ही मैंने इनके राइस भी बॉईल कर लिए थे जी। तो इनको मैंने ना थोड़ा सा सोचा मैश कर लूँ, तो कि वो जो जो साबुत साबुत कद्दू है ना, वो तो देखने में थोड़े अच्छे नहीं लगते, बच्चे नहीं खाते, मिक्स हुए हों तो बच्चे खा लेते हैं। तो जी फिर इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला, और साथ ही मैंने डाल दी है काली मिर्च, और इसके साथ बाद मैंने इसमें डाल दी है हरा धनिया और हरी मिर्च। हरा धनिया और हरी मिर्च एंड पे मैं डालती हूँ, इससे तो लुक बड़ी अच्छी आती है सालन की, और दूसरे टेस्ट भी अच्छा रहता है जी। इधर राइस बॉईल कर लिए हुए थे मैंने पहले से ही, और अब मैं अब्दुल्ला और उसके डैडी आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के, अब मैं लगा रही हूँ खाना। जी इधर खाने वाली टेबल लग चुकी है, साथ ही मैंने बना लिया था मैंगो शेक जो कि अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा पसंद है, और अब सब बैठे खाना खा रहे हैं। अब्दुल्ला को भी मैं आवाज़ दे रही हूँ, आज अब्दुल्ला और मिशेल को भी आवाज़ दे रही हूँ, लेकिन मिशेल जो है वो अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है कि मुझे बिरयानी ही खानी है। खैर उसे प्यार से बहला समझा के मैंने उसे थोड़े से राइस खिला दिए थे कि रात को मैं ले जाऊँगी। दोपहर के टाइम तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। और अभी तुम शेक वगैरह पी लो और थोड़े से राइस खा लो। खैर उसने मान लिया, थोड़ा सा उसने खाना खा ही लिया, और फिर हम यहाँ सब बैठे खाना खा रहे हैं। जी उसके बाद रात का खाना अब्दुल्ला के डैडी को देने के बाद फिर मैंने कहा चलो अब्दुल्ला मिशेल को ले चलो, इसको आज बिरयानी खानी ही खानी है। तो इस तरह फिर हम निकल आए। मम्मा जब मम्मा आज तो पाकिस्तान के फ्लैग किसके लगे हुए हैं? 14 अगस्त आ रहा है ना, ये बहुत दूर है।
याद है परसों किया है संडे को मम्मा की बर्थडे? हाँ जी मैंने विश किया है, कर दो ना विश। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। ये थैंक यू। मुझे सबसे पहले याद आया मैं अच्छी बेटी हूँ। गोर में से कुछ लेना नहीं। You've got no old and grey, you know. Iceland. ऊंची गाड़ी है ना, हाई नहीं भी की थी तो भी मेरी आंखों में मैं मेरे बहुत मोटा हो जाना है कसम से। फिर से मैंने वाकई में मैंने अल्लाह माफ करे स्लश पीते हैं। मैंने अपनी वो पुरानी जो है ना पूरी करनी है। मैं स्लश पी लेते हैं। हाँ स्लश पी लेते हैं। मैंने मोटा हो गया फिर पतला होना है ये मैंने सोचा है। मोड़ मोटे होने की गलती ना करी। वही कह रहा हूँ ना गलती से ही नहीं होना। गाड़ी में हूँ कोई भी गए मेरे लिए बस एक मैंगो बताइए ना हमेशा कितना मेरा मैंगो। तुम खाओ ना क्यों नहीं खा रही बिरयानी? बड़ा डब्बा जानवर खा लेते हैं। सॉरी सॉरी सुबह का कुछ नहीं खाया मैंने पहले बिरयानी के बहाने में कुछ नहीं खाया। हमेशा कितना मेरा मैंगो बोल मजा क्या। अच्छा जी तो व्यूअर्स इस तरह बच्चों की ज़िद भी पूरी हो गई और बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग भी हो गई और अब हम घर वापस जा रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।